जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमजोर है पढ़ने में, बहुत सारे बच्चों की अभी जो टेस्ट ले रहे हैं अपने आप को, जैसे मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी अग्रवाल पब्लिकेशन की, मॉडल पेपर की और ओल्ड पेपर की, अगर आपने भी अभी तक नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आपने अगर नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए। उसमें अच्छे मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं और साथ में क्या दिया हुआ है, ओल्ड पेपर भी। तो उस बुक से बहुत सारे बच्चे टेस्ट लेके भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने ओल्ड पेपर भी मिलाए हैं, मॉडल पेपर भी मिला रहे हैं, लेकिन किसी के 40 नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी बताने वाला हूँ, आप उससे थोड़ा सा आपको ज़रूर सीख मिलेगी। मैं अपनी खुद की जो मेरी लाइफ रही है उसके बारे में आपको दो चार बातें मैं बताने वाला हूँ, ओनली एजुकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे 8th क्लास में, मैंने आपको बहुत कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि 8th क्लास में मैं फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद में 10th क्लास में मेरे 42% है। ये 42% भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि SSC GD के लिए आपकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपके कितने परसेंटेज है, ये कहीं मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको कभी निराश नहीं होना कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज थे कितने नहीं थे, और वो उससे फॉर्म भरने में कोई तकलीफ नहीं आती, ये भी चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो मेरे 10th क्लास में 42%, फिर जब थोड़ा सा समझ आई तो इसे पढ़ने लगे, 12th क्लास में 72%। अब देखिए 2 ही साल का अंतर होता है 10th और 12th में, लेकिन कहाँ 42 और कहाँ 72। तो यानी जिस दिन आप उठते हो ना उसी दिन आपके लिए सवेरा है। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको यहीं बता दूं कि जिस दिन जगे उसी दिन आपके लिए सवेरा। अब जिस दिन ठान लिया आपने वही आपके लिए उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है कि आपका पहले कितने आप फेल रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, ये कतई मायने नहीं रखता, ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं, जो कंपटीशन है इंडिया में, जो भी एग्ज़ाम का कंपटीशन है, इसमें आपकी जो इससे पहले की जो बुक्स है वो कहीं मैटर नहीं करती है। अगर आप नए सिरे से शुरुआत करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आपको 100% सिलेक्शन हो सकता है। वो कंपटीशन गाइड अलग है और जो स्कूल की पढ़ाई अलग है। हाँ स्कूल की पढ़ाई कहीं ना कहीं मदद जरूर करती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप स्कूल में कमज़ोर रहे हो, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, टेंशन नहीं लेना है। अब आप इसके बाद में सोचिए कि दो जो मेरे 10th क्लास में कितने 42%, फिर 8 सब्जेक्ट से 72% है 12th क्लास में, तो भी मैथ से तो नहीं है, रीजनिंग से तो नहीं है, आर्ट्स में तो ये चीज़ें होती नहीं, 10th क्लास तक ही मैथ पढ़ी थी। फिर भी दोस्तों मैंने केवल 1 साल तैयारी की है, बहुत दिल लगा के 2013 में वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए तैयारी की थी 1 साल, उसकी मैं मेरिट में रह गया था। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी तैयारी की थी कि उसके बाद में मेरे मैथ और रीजनिंग में कोचिंगों में पढ़ाना लग गया था। यानी 2015 से मैंने कोचिंगों में मैथ और रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी आप सोचिए जिस बंदे के 42% है, तो भाई जो जिनके 80 या 90% है वो भी तो वहीं सीखते हैं वो भी, ये तो है नहीं उनको बचपन से ही वो चीज़ें आते हैं, वो सीखते हैं तो उनकी तरह हम पढ़ने लग जाएंगे तो हम भी सीख जाएंगे। फ़र्क क्या है, आप इस बात से ले दिए। एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे किसी के 95% है और आपके 72% है या आपके 50% है, अरे तो आपके किस कारण से, क्योंकि वो पढ़ता आप पढ़ते नहीं, तो आप भी पढ़ने लग जाओगे, आप भी सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी गनी तो है ही नहीं ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको याद नहीं होता, ये सभी की बीमारी आपकी नहीं, 100% अगर याद होता दुनिया में सब कुछ, भूलना तो सबसे अच्छी बात है, भूल जाना सबसे अच्छी बात है इस दुनिया में। भूल जो इंसान भूलता रहता है ना वो ज़िंदगी में जीता भी ज़्यादा है और टेंशन भी उसके कम रहती है, क्योंकि पीछे का ज़्यादा याद रखना भी बहुत ही गलत है, स्वास्थ्य के लिए भी और शरीर के लिए भी, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, ठीक है, ज़्यादा याद भी नहीं रखना। लेकिन हम बात करते हैं बुक्स की, तो याद कैसे रहती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे भूलना सभी के स्वभाव ही है, भूलोगे ही भूलोगे, इसमें क्या चीज़ है। लेकिन इस बात पर आप ये ना करें कि आप भूल रहे हो तो मतलब पढ़ाई ना करें, अरे ना ना ना, भूल रहे हो तो वापस रिपीटेशन आपको क्या होगा, एक चीज़ में बताओ, जैसे आपने लूसेंट की बुक ली पढ़ी, ठीक है, आपने उसको पढ़ाई कर ली, भूल गए, दोबारा पढ़ी, तो उसमें से आपको 10% तो पहले से याद रहेगा, 90% आप भूल जाओगे, दोबारा पढ़ोगे आपको 30 से 40% याद रहेगा, 60% भूल जाओगे, तीसरी बार पढ़ोगे 50+ आपको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, और चौथी बार जब पढ़ लोगे तब 75, 70, 80 के आसपास आपको याद रहने लग जाएगा, ये तो ऑब्वियसली। लेकिन आप पहली बार पढ़ते हो आपको 10% याद रहता है, उसमें आप निराश हो जाते हो, ले मेरे को तो 10% भी याद नहीं रहता, अरे तो भाई पहली बार में सबको ही 10% याद रहता है, यहाँ कोई ऐसा तीरंदाज नहीं है जो बुक पढ़ लिया और उसको याद हो गया, ऐसा नहीं होता किसी के साथ में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने परसेंटेज रह के फिर मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ाई भी है कोचिंगों में, और आज भी मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, मैथ का कोई भी क्वेश्चन SSGD में मेरे मैथ और रीजनिंग में 50 के 50 नंबर है। उससे पहले मैं कोचिंगों में भी पढ़ाता था, मैं आपको बता भी चुका हूँ, मेरी खुद की कोचिंग भी थी। तो ये नहीं, उसके लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले का बैकग्राउंड कैसा है या आपको अभी तक कुछ आता। तो दोस्तों जिनके 50 नंबर जिनके 40 नंबर भी आ रहे हैं उस मॉडल बुक में, कोई टेंशन नहीं, मेरी गारंटी है 3 महीने आप दिल से तैयारी कर लो, आपके 80 नंबर भी 90 नंबर भी आएंगे उसी मॉडल बुक में। उसी जो दूसरी उसकी नई बुक आएगी आपको जब बताएंगे, उसके जब टेस्ट पेपर आप दोगे तो आपके कितने नंबर आएंगे,
80 नंबर भी आएंगे, 90 नंबर भी आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। क्योंकि सभी शुरुआत होती है ना, बच्चा जो बच्चा जन्मता है तो वो भी धीरे धीरे चलना सीखता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी आगो तुम, छोटा सा बच्चा है वो जब चलता है शुरुआत में तो क्या पहले दिन खड़े होकर चलने लग जाता है या दौड़ने लग जाता है? नहीं, पहले वो घिसकता है। तो उसी प्रकार आप पहली बार बुक के पास में जा रहे हो लूसेंट के, तो आप घिसक रहे हो, यानी आपको 10% ही याद होगा। ये स्वाभाविक है, ये नेचर है। तो आप उसको जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा याद होने लग जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम कितनी बार पढ़ ले हमको याद नहीं। अरे नहीं, आप पढ़ रहे हो तो दिल से नहीं पढ़ रहे, आपकी कमी है। आप दिल लगा के पढ़िए। भले मैं आपको बोल दिया, जैसे मैं आपको 6 घंटा स्टडी प्लान बता रहा हूँ, आप 6 घंटा नहीं, आप 3 घंटा पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। अगर आप दिल से पढ़ने लग गए तो गारंटी मेरे को आपको याद होगा ही होगा। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद, दिमाग सब में सेम ही है। बात ये होती है, कोई इंसान दिल से पढ़ता है, कोई दिल से नहीं पढ़ता, उसके दिल दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती रहती है। तो जो और चीज़ें रहती है ना, उनको थोड़ा और साइड में कर दो, ठीक है, और अपने दिल और दिमाग में पढ़ाई का कीड़ा घुसा लो, तो आप गारंटी है मेरे सक्सेस हो जाओगे। SSC GD तो क्या आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर लोगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे। इसीलिए क्या करना, किसी को मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को कुछ नहीं आता जब शुरुआत करता है ना, किसी को कुछ नहीं आता। आप स्कूल में पहले दिन गए थे, आपको आते थे कैसे कबूतर खैसे खरगोश या अल्फ़ाबेट आते थे? नहीं आते थे ना। कितने दिनों में सीखे? बहुत टाइम लगा एक कबूतर बनाने में, कैसे कबूतर बनाने में बहुत टाइम लगा। और अब लगता है क्या टाइम? मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, जैसे किसी का नाम विनोद है, किसी का नाम मंगलाराम, कोई भी जिसका जैसा भी नाम है, जैसे मेरा नाम भी विराट है, तो अब मैंने पहली बार जब विराट लिखा था फर्स्ट क्लास में, तो क्या मैंने ऐसे लिख दिया था विराट? और अभी कैसे लिख देता हूँ? अभी ऐसे झट से, और उसमें भी डिजाइन देखे साइन करता हूँ तो और भी डिजाइन से। कैसे? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। पहले दिन कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इंसान संपूर्ण हो जाए, इसीलिए आपको तैयारी करना है, निरंतर तैयारी करना है। निरंतर तैयारी करने से आप, गारंटी है मेरी, शर्त लगा लो मेरे से, आप कोई सी भी बुक पढ़ लो। अब मैथ के बारे में बच्चे बोलते हैं कि सर हमको मैथ, अरे मैं मैथ को आपको बता रहा हूँ ना, मैथ जब सोचिए ना, 42% है मेरे मैथ में, मेरे 36 नंबर है, वो इंसान आपको मैथ पढ़ा सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई और दुनिया से तो आया नहीं, या नहीं मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता नहीं बेटा, चलाया है। क्यों? क्योंकि मजबूरी थी, जॉब लगना था, नाम करना था अपना, ज़िंदगी में सफल होना था, तो ये इसलिए चलाया है इसको। चला नहीं है ये, चलाया इसको, ज़बरदस्ती चलाया गया है ये, ठीक है। तो आप भी चला सकते हो, और जब एक बार चलने लग जाएगा ना, तो घोड़े की तरह दौड़ने भी लग जाएगा। तो इसलिए चलाना है, अपनी परिवार की, अपनी खुद की परिस्थितियां सोचनी है, अपना आगे का जीवन सोचना है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे वर्दी पहननी है, वो प्राउड फील लेनी है, तो बेटा उसके लिए दौड़ाना है। इसको कुछ नशे में नहीं डालना है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है, चलो नहीं याद हो रहा तो नहीं याद करना भाई, याद क्यों नहीं हो रहा, इसे पूछो क्यों नहीं याद हो रहा भाई, याद करना पड़ेगा तुझे, कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा मुझे बताओ। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब आर्मी की ट्रेनिंग में या BS CRPF की जैसे ट्रेनिंग, SSGD का जो फिजिकल होता है, 5 किलोमीटर की रनिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 24 मिनट में करते हैं, ठीक है, पूरी 24 मिनट में। वो बच्चा ट्रेनिंग में जाके 20 मिनट में कैसे कर लेता है मुझे ये बताओ फिर? वहाँ तो 20 मिनट टाइम होता है, वहाँ पर तो वेट के साथ में 24 मिनट, राइफल विथ 5 kg वेट, राइफल और विथ 5 kg वेट के साथ में वहाँ पर 22 मिनट मिलते हैं, तो फिर वो 22 मिनट में कैसे कर लेता है ये बताइए मुझे, कोई इसका समाधान? क्यों कर लेता है? क्योंकि पीछे वो डंडा रहता है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा डंडा रहता है, और रेलीगेट करने का डर कि वापस घर भेज देंगे, ये डर, तो वो डर करा देता है। तो वही डर डालना है आपको तैयारी में, तो गारंटी है मेरी तैयारी में भी आपके वैसे ही नंबर आएंगे, आपके भी याद होने लग जाएंगे ऐसे थर दर 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 दर, ठीक है। लेकिन वो दिल में रखने हैं, करना पड़ेगा, मजबूर करना है खुद को कि हाँ मुझे करना चाहिए, कुछ भी हो, ये चले ना चले, लेकिन मैं किताब से हटने वाला नहीं। तो फिर देख लेना कैसे नहीं चलता है, देखिए बड़े बड़ों को चल गया, आपका क्या भाई? चाणक्य का चल गया, आपका क्या? किसी का भी चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए तैयारी अच्छे से करना है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए, निराश ना होइए, सबसे पहली बात निराश ना होइए, डिमोटिवेट ना होइए, बस मोटिवेट रहना है, किसी भी करके तैयारी करना है, ठीक है। और मैं 80 नंबर का टारगेट दे रहा हूँ, हर स्टेट की जरूर नहीं, मेरी 80 रहेगी, क्या पता आपके स्टेट की 75 रह जाए, क्या पता आपके स्टेट की 70 रह जाए, क्या पता आपके स्टेट की 65 रह जाए, लेकिन वो नंबर भी आपके तब आएंगे ना जब आप तैयारी करोगे। क्या पता आपके 70 नंबर आए और आपके नॉर्मलाइजेशन से 85 हो गए, आपका नंबर आ गया, लेकिन आप निराश नहीं होगे तब आएंगे ना 70, आप अगर निराश हो गए तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो निराश नहीं होना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।